नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। इन दिनों सब्जियों के दाम एकदम से उछले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लाल हुआ है टमाटर। टमाटर ने शतक जड़ दिया है, 100 और 120 रुपए किलो के आसपास घूम रहा है। इतना ही नहीं, जो तोरई 20 रुपए किलो के भाव पर थी, वह भी शतक लगा रही है, यानी 100 रुपए के आसपास घूम रही है। फिलहाल सब्जियों के दाम लगातार बढ़ने से आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों अदरक के दाम भी 100 रुपए के आसपास हैं। सारी सब्जियों का दाम बढ़ने से आम आदमी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि बारिश और लू की वजह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, लेकिन लोगों की फिलहाल कमर टूटने को है। टमाटर की इतराहट और 100 का आंकड़ा पार करने के बाद अब लोगों के किचन में टमाटर की भूमिका सीमित होती जा रही है। लोग टमाटर खरीदने को मजबूर हैं, क्योंकि टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो हर सब्जी के साथ प्रयोग की जाती है, लेकिन इसके दाम ने इसकी मात्रा को कम कर दिया है। हम आपको सब्जियों के कई सारे जो दाम हैं वह बताते हैं। दुकानदार ने जो सब्जियों के दाम हैं वर्तमान में वह किस भाव पर हैं, हमने उनसे बात की तो उन्होंने सब्जियों के दाम बताए। फिलहाल आप देख रहे हैं, आलू भी महंगा हो गया है। तोरई, जिसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इस समय सस्ती होती थी, वह भी 100 रुपये के आसपास पहुँच गई है। इस प्रकार नींबू, जो इस सीज़न में सबसे ज़्यादा मांगा जाता है, वो भी महंगा हो गया है। सारी सब्जियों के दाम बढ़ने से फिलहाल लोगों को एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि बारिश और लू के वजह से सब्जियों की आवक में कमी होने से दाम में वृद्धि हुई है। हम आपको फिलहाल दुकानदार से जो हमने बातचीत की वो सुनाते हैं। का भाव चल रहा है? हमारा 100 रुपए किलो। और अदरक? 200 रुपए किलो। अदरक 200। और तुरई? 100 रुपए किलो। कल भी 40 रुपए किलो बता दिए। अच्छा, और आलू में कुछ बढ़े हैं दाम? आलू 50 का ढाई किलो। 50 का ढाई किलो। और बकाया और कुछ में थोड़े से रेट बढ़े हैं? 40 रुपए किलो, 80 रुपए किलो है। खीरे 40 है, 80 है, बता दो। अलग अलग रेट के है। सबसे ज़्यादा टमाटर महंगा हो गया। और अदरक? अदरक क्यों महंगा हो गया इतना? महंगा है, मतलब बाजार में एकदम रेट उछल गए इन सब चीज़ों के।